नमस्कार, घर का खाना सेहत खजाना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उड़द की बड़ी आलू की सब्जी बनाएंगे। ये बहुत बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप रोज रोज का खाना खाकर बोर हो गए हैं तो ये उड़द की बड़ी की सब्जी बनाकर खाइए। हमें उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आएगी। तो चलिए उड़द की बड़ी की आलू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। उड़द की बड़ी आलू की सब्जी बनाने के लिए हम यहाँ ले रहे हैं 100 ग्राम उड़द की बड़ी। ये आपको बाजार में किसी भी राशन की दुकान में आसानी से मिल जाएगी। ये कुछ इस तरह से दिखती है। और हमें चाहिए आलू आधा किलो, इसे हमने धो लिया है। नमक, हल्दी पाउडर, 4 बारीक कटी हरी मिर्च, हरा धनिया, 3 मीडियम साइज टमाटर, 1 टुकड़ा अदरक कुटा हुआ, 2 मीडियम साइज बारीक कटे प्याज, गरम मसाला पाउडर और दालचीनी पाउडर। सबसे पहले हम उड़द की बड़ी को पानी में भिगोकर अच्छे से धो लेंगे। और अब हम इसे 5 मिनट तक पानी में भिगोकर ढककर रख देंगे। 5 मिनट बाद चेक कर लेंगे। 5 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। उड़द की बड़ी भीग गई है और अब हम इसे पानी में से निकाल कर एक कटोरी में रख लेंगे। और अब इसे चम्मच की हेल्प से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इस तरह से। और अब हम लेंगे एक पतीला और इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। गैस को ऑन कर लेंगे और तेल को गर्म कर लेंगे। तेल गर्म हो गया है, गैस की आंच को मीडियम में रखेंगे। और अब इसमें डालेंगे भिगोई हुई उड़द की बड़ी। इसको हम चलाते हुए अच्छे से भून लेंगे। एक दो मिनट तक भूनेंगे जब इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए और अच्छे से खुशबू आने लगे तब हम इन्हें निकाल लेंगे। कलर चेंज हो गया है और अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेंगे। और अब हम इसी तेल में जिसमें हमने अभी बड़ी तली थी इसमें डालेंगे बारीक कटे प्याज। प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और अब हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ अदरक और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे बारीक कटी हरी मिर्च, बारीक कटे टमाटर, 1 चम्मच नमक स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच दालचीनी पाउडर। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर लेंगे। और ढककर 2 मिनट तक मसालों को कम आंच में पकने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद चेक कर लेंगे। मसालों ने तेल छोड़ दिया है
मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब इसमें डालेंगे उड़द की भुनी हुई बड़ी और अच्छे से मसालों में मिक्स कर देंगे। अब डालेंगे आलू और इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और ढककर कम आंच पे 2 मिनट तक भूनने के लिए छोड़ देंगे। 2 मिनट बाद चेक कर लेंगे, 2 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। सब्जी अच्छे से भुन गई है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम डालेंगे इसमें करीब 2 गिलास पानी। आप चाहें तो पानी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। पानी डालने के बाद सब्जी को हिला लेंगे और ढककर कम आंच में 10 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। बीच बीच में सब्जी को चेक करते रहेंगे, चेक कर लेते हैं। सब्जी को एक बार चला लेंगे। और फिर से ढक देंगे। 10 मिनट बाद चेक कर लेंगे, 10 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं। आलू के टुकड़े पक गए हैं, सब्जी बन गई है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हरा धनिया और अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को बंद कर देंगे। अब हम कटोरी में सब्जी को निकाल लेंगे। और हरी धनिया से गार्निश कर लेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही स्वादिष्ट लाजवाब उड़द की बड़ी आलू की सब्जी बनी है। आप रोटी, नान, पराठा, चावल किसी के भी साथ इस लजीज सब्जी का लुत्फ उठा सकते हैं। आप इसे जरूर बनाइए और खाइए और अपने अनुभव घर का खाना सेहत खजाना चैनल में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी उड़द बड़ी आलू की सब्जी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब जरूर कीजिए आगे से और भी अच्छे इंटरेस्टिंग रेसिपीज देखने के लिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर भेजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तो घर का खाइए, सेहत बनाइए और हमेशा फिट रहिए। नमस्कार।